नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव ग्रुप स्टडी जोन पुरंडाल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि दंड न्यायालय कौन कौन से होते हैं। जैसा कि CRPC 1973 सेक्शन 6 के अनुसार हम बात करेंगे, इसमें सेक्शन 6 में कहा गया है कि हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट जो विशेष न्यायालय गठित किए जाते हैं उनके सिवाय सभी दंड न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं ये अपीली न्यायालय होते हैं। आइए देखते हैं दंड न्यायालय कौन कौन से हैं। दंड न्यायालय की अगर हम बात करें तो दंड न्यायालय के अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, सेशन न्यायालय आता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सेशन न्यायालय के दंड न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब हम चर्चा करते हैं सेशन न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आते हैं या कौन उसके बाद कितने जज बैठते हैं इस कोर्ट में। तो सेशन न्यायालय अगर हम देखें तो सेशन न्यायालय सेक्शन 9 के अंतर्गत सेशन न्यायालय की चर्चा की गई है। जैसा कि सेशन न्यायालय के अंतर्गत जिला जज आते हैं, जिसे हम DJ के नाम से कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद अतिरिक्त जिला जज आते हैं, ADJ के नाम से संबोधित किया जाता है शॉर्टकट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद सहायक सेशन जज आते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जिला जज कोर्ट कितनी होगी, एक ज़िले में जिला जज की कितनी कोर्ट होगी। तो एक ज़िले में जिला जज की एक कोर्ट होगी और एक ज़िले में एक जिला जज केवल रहेंगे। उसके बाद अतिरिक्त जिला जज एक ज़िले में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीश एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब इनकी दंड देने की जो शक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिला जज और अतिरिक्त जिला जज दोनों की शक्तियाँ देने की बराबर हैं। जिला जज जो शक्ति दे सकता है वही अतिरिक्त जिला जज शक्ति दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मृत्युदंड और आजीवन कारावास का दंड से अगर DJ और ADJ कोई किसी व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट से इनको अनुमोदन प्राप्त करना होगा कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। केवल मृत्युदंड के मामले में है, मृत्युदंड सेशन न्यायालय के द्वारा ही दिया जाता है और उसकी पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा कराना अनिवार्य होता है। और जो सहायक सेशन न्यायाधीश है ये 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दे सकते हैं। इतनी पावर 10 वर्ष तक का सेशन न्यायाधीश को है और ADJ और अतिरिक्त ADJ को मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया गया है। कोई भी दंडादेश दे सकते हैं विधि द्वारा प्राधिकृत। इसके बाद देखते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सेकंड में आता है। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय रहेगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय रहेगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को CJM कहते हैं, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ACJM कहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट को CJM कहते हैं, JM कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट में संख्या होगी वह एक होगी और न्यायिक मजिस्ट्रेट एक रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो इसके कोर्ट की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो इसके कोर्ट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अगर इनके दंडादेश की बात करें तो CJM और ACJM इन दोनों की शक्तियाँ बराबर बराबर होती हैं। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों दे सकते हैं। ये भी CJM भी 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दे सकते हैं। इन दोनों की शक्ति सेम बराबर है। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये 1 वर्ष 3 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है और 1000 रुपये का जुर्माना दे सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद अब द्वितीय श्रेणी की मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकता है। इतनी शक्तियाँ दी गई हैं। यह द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट न्यायालय में देखने को नहीं मिलते हैं, यह अक्सर सिंचाई विभाग में ही रहते हैं। अब बात करें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथे स्टेप पर आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट आते हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट आते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट आते हैं, कोई अन्य जैसे तहसीलदार हो गया और जिसको भी न्यायालय जो है राज्य सरकार जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति सौंप दे। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट CRPC सेक्शन 20 के अंतर्गत बताया गया है और आर्टिकल के अंतर्गत हम जाएंगे तो 50 में चर्चा की गई है। तो जिला मजिस्ट्रेट को DM कहते हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट को ADM कहते हैं। DM और ADM की शक्तियाँ बराबर बराबर होती हैं। उसके बाद उपखंड मजिस्ट्रेट की बात करें तो इसे SDM कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे दंड न्यायालय। दंड न्यायालय में इन्हें 4 स्टेप में विभाजित किया गया है। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया है। ये रहा हमारा वीडियो दोस्तों दंड न्यायालय पे। ये दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।